चारधाम यात्रा को लेकर कर लेते हैं। चारधाम यात्रा के लिए बढ़ सकती है पंजीकरण की अवधि, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ा सकती है सरकार। तो देखिए बड़ा फैसला यहां पर, 19 मई तक बंद है ऑफलाइन पंजीकरण, बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं। भीड़ ज्यादा बढ़ने की वजह से फैसला लिया गया है। तो देखिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की अवधि सरकार बढ़ा सकती है, ये बड़ी खबर। और 19 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण बंद है और इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। और आपको बता दें चारधाम यात्रा को लेकर के एक अहम फैसला, चारधाम यात्रा के लिए अब पंजीकरण की अवधि बढ़ सकती है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। सरकार इस पर विचार कर रही है। 19 मई तक फिलहाल ऑफलाइन पंजीकरण बंद है और बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं। भीड़ ज्यादा बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया है, क्योंकि भारी मात्रा में जो श्रद्धालुओं का जत्था पहुंच रहा है, ये कहीं ना कहीं मॉनिटर करना एक बड़ी चुनौती बन गई है प्रशासन के लिए, जिसको देखते हुए अब रजिस्ट्रेशन की जो अवधि है, पंजीकरण की जो अवधि है, उसे बढ़ाने पर फैसला सरकार कर सकती है। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की अवधि बढ़ेगी और इस पर सरकार विचार कर रही है, रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ा सकती है सरकार। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता नितिन चौहान हमारे साथ बड़कोट से लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, देखिए 19 मई तक फिलहाल तो ऑफलाइन पंजीकरण बंद है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ हो रहे हैं और श्रद्धालु जिस तरीके से पहुंच रहे हैं भारी संख्या में चारधाम यात्रा के लिए, ऐसे में इसको देखते हुए सरकार फैसला ले सकती है अवधि को बढ़ाने के लिए, खासतौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए रितु, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पहले 15-16 में ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, भारी भीड़ जो उमड़ रही थी चार धाम यात्रा के लिए, इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है 19 मई तक इसकी अवधि बढ़ा दी है। लेकिन अगर ताजा हालातों की अगर बात करें हम, हरिद्वार ऋषिकेश में यात्रियों के जमावड़े को अगर देखें, क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इन्हीं सेंटरों से सबसे पहले हो रहा था, इसके बाद जो ऑफलाइन की जो प्रक्रिया थी वो यमुनोत्री से करीब 35 किलोमीटर पहले बड़कोट के पास दो किलोमीटर आगे ही इसमें एक रजिस्ट्रेशन केंद्र बनाया है, यहाँ पर ऑफलाइन की प्रक्रिया चल रही थी। तो अभी फिलहाल जो है फौरी तौर पर ये जो 19 मई तक जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है उसमें रोक लगाई हुई है। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से आज 18 तारीख हो चुकी है, आज और कल यात्रियों की जो भीड़ है वो किस तरीके से रहती है, इसमें निर्णय लिया जाएगा। और अगर ज्यादा भीड़ इसमें होती है तो 19 तारीख से जो ये अवधि है इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ऋतु, इसमें मैं एक बात और आपको बताऊंगा कि अगर हम कल के आंकड़े उठा के अगर देखें, यमुनोत्री धाम में करीब जो है 9000 प्लस यात्री थे, यानी कि कुल मिलाकर जो है कि जो अभी हम आज देख रहे हैं कि आज 9वां दिन है यमुनोत्री धाम का कपाट खुलने के बाद से, और यात्रियों की जो संख्या है वो 95,000 या 96,000 के करीब हो चुकी है अभी दर्शनार्थी जो है। इसके अलावा जो गंगोत्री धाम में है, गंगोत्री धाम में भी करीब जो आंकड़ा है वो 90,000 के करीब है। अगर हम उत्तरकाशी अकेले जिले की अगर बात करें तो यमुनोत्री गंगोत्री धाम दोनों एक ही जिले में है, पर यहाँ यात्रियों की जो संख्या है वो अब तक 1,90,000 के करीब पहुंच चुकी है। ये महज 9 दिन में है, और अगर हम पिछले साल के अगर आंकड़े अगर उठा के देखें तो इतने ही श्रद्धालु पिछले बार 15-16 दिनों में चार धाम की यात्रा में यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम की यात्रा में आए थे। ऋतु, एक पहलू मैं आपको एक और बताऊंगा कि जो ये यमुनोत्री धाम है, सबसे पहला धाम यहाँ से यात्री अपनी यात्रा शुरू करता है माँ यमुना के दर्शन करने के साथ ही, उसके बाद गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंचता है और उसके बाद ये जो चार धाम यात्रा उसकी सफल मानी जाती है। लेकिन जिस तरीके से यमुनोत्री धाम में ही भारी जो जमावड़ा है, भारी भीड़ जो श्रद्धालुओं की यहाँ पे देखी गई, इसमें जो IAS और PCS लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी भी मदद ली गई है, खासकर जिले को छोड़ के, क्योंकि मैं उत्तरकाशी जिले की अगर बात बताऊं तो अभी कल ही की बात है, शुक्रवार की जिलाधिकारी महोदय जो डॉक्टर मेहरबान। बिल्कुल नितिन, आप तमाम चीजों को लेकर के जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि भीड़ तो एक महत्वपूर्ण वजह है ही, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसी वजह है जैसे कि मौसम, जिससे कहीं ना कहीं परेशानियां हो रही है जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, एकाएक जिस तरीके से मौसम बदल रहा है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन को दुरुस्त करनी है अपनी व्यवस्थाएं। देखिए ऋतु, ये पहलू जो है जैसे मौसम का आपने जिक्र किया, तो फिलहाल अगर हम देखें तो पिछले 2 और 3 दिनों से जो टेम्परेचर है वो पहाड़ी क्षेत्र में भी बढ़ रहा है, और जिस तरीके से मौसम विज्ञान का एक पूर्वानुमान भी आया है कि
अगले 2 से 3 दिन तक यानी कि 20 मई तक ये पूर्वानुमान है कि जो मैदानी वाले जो क्षेत्र है वहां का टेम्परेचर 40, 41 और 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में टेम्परेचर अभी 30, 32, 34 और 35 के करीब जा चुका है। और यही कारण है कि जो मैदानी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो अपना एक प्लान तैयार कर रहे हैं कि हम चारधाम यात्रा में चले क्योंकि वहां टेम्परेचर कम है। लेकिन जिस तरीके से ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उस पर रोक है तो कहीं ना कहीं उससे भी रोक लगेगी। अक्सर हमने ये देखा है कि क्योंकि मैं खुद यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव पे बड़कोट में मौजूद हूँ और कई बार हम यात्रियों को देखते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो अगले जून का है, अगले जून का रजिस्ट्रेशन है लेकिन वो यात्रा में अभी ही चल पड़े हैं, यानी कि आज केवल 18 मई है, यानी अब कम से कम 20 दिन पहले चले गए हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है यात्रा में जो ट्रैफिक जाम का है या गाड़ियों की जो लंबी लंबी कतारें हैं, जो श्रद्धालु हैं लंबे